सूर्य प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्राचीन कालीन मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 24 जनवरी 2024 को। आप देख पा रहे हैं कि आज सुबह पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तरी भारत में, पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक सुबह घने कोहरे की चादर देखी गई है, जो पंजाब से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उससे लगे हुए बंगाल के जो हिस्सा है और हमारा आसाम मेघालय में भी सुबह कोहरा देखा गया है। अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि सुबह पंजाब में पटियाला में 25 मीटर, उत्तर प्रदेश में बनारस में भी 25 मीटर और उसी के साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में आगरा अलीगढ़ में 25 मीटर, इसी के साथ साथ पूरे जो उत्तरी हिस्सा राजस्थान का वहां भी विजिबिलिटी 25 मीटर का आसपास देखी गई है और बिहार में 25 मीटर, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर भी विजिबिलिटी 25 मीटर के आसपास सुबह देखी गई है और नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में भी विजिबिलिटी 25 मीटर के आसपास देखी गई है। और अब मैं बात करता हूँ न्यूनतम तापमान की, जो आज सुबह न्यूनतम तापमान दर्ज किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पंजाब और हरियाणा का लगा हिस्सा है वहां पर जो तापमान 4 से 8 डिग्री के बीच में रहा और उससे दक्षिणी हिस्सा जो है राजस्थान का, उत्तरी हिस्सा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हैं जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो 6 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सुबह देखी गई है। इसी के साथ साथ कुछ जगह पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जगह पर कोल्ड वेव यानी शीत लहर भी देखी गई है। और अब मैं अधिकतर तापमान की बात करूंगा तो आप देख पा रहे जो अधिकतम तापमान का जो सिनेरियो आप देखते हैं कि पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उससे लगा हुआ मध्य प्रदेश, जहां शीत दिवस कुछ जगह पर अति शीत दर यानी कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे देखा गया है। कल की टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं मैक्सिमम तापमान की, और अब मैं वार्निंग की बात करूं तो आज आप देख पा रहे हैं कि लाल रंग की वार्निंग है जो पूरे राजस्थान, हरियाणा और उसी के साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश में आज रेड कलर की वार्निंग है, जहाँ डैश फॉग, सुबह डैश फॉग होने की संभावना है। इसी के साथ साथ कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव और कोल्ड डे भी होने की संभावना है। और अब मैं बात करता हूँ पंजाब के साथ साथ हरियाणा, सब पूरा कवर हो गया है और जो ऑरेंज कलर की वार्निंग है वो उत्तरी राजस्थान और बिहार में आज डैश टू हेड डैश फॉग और उसी के साथ साथ कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे देखा जा सकता है कुछ जगह पे। और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है वहां पर भी कोल्ड डे रहने की संभावना है और नॉर्थ ईस्ट के जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह में और GW वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी घना कोहरा देखा जा सकता है। और कल की बात करें तो थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ऑरेंज कलर वार्निंग है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसी के साथ साथ फॉग की जो वार्निंग है वो उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में। और अगर डे थ्री की बात करें तो इंटेंसिटी राजस्थान में कम हो जाएगी लेकिन पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है प्लेन्स का, जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में परसों भी देखा जा सकता है 26 तारीख को, 26, 27, 28 लगभग एक जैसे सिनेरियो रहेगा डे थ्री, डे फोर, डे फाइव में, जो पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को कवर करेगा। डैश टू वेट डैश फॉग, इसी के साथ साथ कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे रहने की संभावना है एक दो जगह पर। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, नमस्कार, थैंक यू।